तो दोस्तों, पिछले पर्यावरण के वीडियो में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे और कमेंट में आपके जवाब पूछे थे। तो उन जवाब देने वालों के सही सही जवाब देने वालों के नाम मैं यहाँ पर आपको कमेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 14 और 15। और इसका सही जवाब सबसे पहले जिन लोगों ने दिया था उनका नाम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें माधव गाडगिल था सही जवाब क्वेश्चन नंबर 14 में, और 15 में सही जवाब था दोस्तों नीलगिरी। जी हाँ, पहला ऑप्शन 15 में सही जवाब था। तो सबसे पहले जवाब देने वाले लोगों की लिस्ट में है ये नाम, संजू वर्मा ने सबसे पहले कमेंट किया था और इन्होंने 15वें प्रश्न के जवाब दिए। पारुल शाक्या, शिवी, अखिलेश, संजू वर्मा वंस अगेन, एंड आफ्टर दैट अखिलेश, मंजू, शिवी, राधेश्याम, जगदीश, दीक्षा, प्रीति, एंड इसके बाद आप देखेंगे फुरकान, पूनम यादव, देव तिवारी, नीतू, पारुल और पारुल पांडे के बाद आप देखेंगे खुशबू, अवि और सुप्रिया, हसीबुन निशा और सीमा सिंह। इन लोगों ने सही सही जवाब दिया था इस प्रश्न का। और चलिए, आज भी मैं आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, जिसमें लास्ट में आपको दो क्वेश्चन दूंगा जिसके जवाब कमेंट में सबसे पहले जो लोग देंगे। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो जो कि इसका पार्ट 1 था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो अब अगर आपसे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ ले पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म निगेटिव है। तो हाथ से काम करना, खोजना और क्रियाकलाप को जोड़ना तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसका नहीं होगा। निगेटिव से निगेटिव को मिला दीजिए। बाकी जिज्ञासा का, सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तीनों ऑप्शन सही है। केवल अगर हम बी को हटा दें, यानी 71 का बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। देखिए, सीटेट में कुछ ज़्यादा बड़े लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए मैं आपको मैराथन क्लास देना चाहता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी मैं इन क्लासेस के थ्रू पर्यावरण और पेडागोजी दोनों चीज़ें तैयार कर सकूं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया, पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वो स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो दोस्तों, यहाँ पर ये जम्मू और कश्मीर का भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। झूम खेती के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 4 कथन हैं, ठीक है, कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, ये तो सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इसे जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। 4 में से कौन सा कूट मिलाएंगे? वैसे सीटेट ने CBSE के आंसर की में यहाँ पर उत्तर जो है वो केवल ए को माना है, मतलब आप समझ रहे हैं, केवल ए उत्तर माना है कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपका अपना उत्तर क्या है इस प्रश्न पर, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस पर देखा जाएगा कि झूम खेती के बारे में आपकी राय क्या है, किसमें कौन कौन सा कूट जो है आप सही मानते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, निम्नलिखित में से इसके लिए सही कारणों का चयन कीजिए। अब बताइए कि केंचुआ को किसान का मित्र क्यों माना जाता है। देखिए, पहली बात तो केंचुए जो है मल पत्ती पौधे खाते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, इसे नहीं मानेंगे। जमीन में छेद बनाते हैं, ये सही है, बनाए गए छेद। तो यहाँ पर ए, बी और डी जो कि आप देखेंगे, ए, बी और डी, क्या आपको लगता है? नहीं, ए, सी, डी, ये जो है आपका कूट सही होगा, ए, सी, डी, ठीक है। तो बी को हटा देना है आपको,
बाकी पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछता है कि कांसा जो है किस धातु का मिश्रण है, तो तांबे और टीन का मिश्रण है। याद कर लेना इसे आप लोग, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन माना जाता है। देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टैपियोका है, ये केरला, यहाँ पर जवाब होगा तीसरा विकल्प, केरल क्षेत्र का ये बहुत प्रिय भोजन माना जाता है। अच्छा, आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो कौन सा रंग है, यानी जो जानवर रात में जागते हैं और रात में जिनको दिखाई देता है तो इनको कौन से कलर में वो चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट यानी काला सफ़ेद। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं, कौन से एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जवाब सही होगा कर्नाटक, केरला और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 78 का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड की स्थिति क्या है हमारे देश के मानचित्र में। तो यहाँ पर उड़ीसा के उत्तर यानी नॉर्थ साइड में झारखंड स्थित है। 79 का जवाब होगा पहला विकल्प। 80 देखिए, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, ग्रीस होता है, डीजल मोम होता है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, कोयला, ठीक है। तो जवाब सही होगा यहाँ पर कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जी का जन्मदिवस गुरु पूर्णिमा पर, ठीक है। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग खेती करने के लिए ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं, टिन क्या है, टिन। तो दोस्तों, टिन जो है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, चौथा विकल्प। और ये क्वेश्चन आपको इसका जवाब बताना है सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करिए, आपकी स्क्रीन पर है वीडियो, आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 84, ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने। इन दो प्रश्नों का ABCD में से क्या सही जवाब है आप लोग कमेंट में बताएं इस वीडियो के, ABCD। और शुरू में जो सबसे पहले सही जवाब देगा उन दो लोगों के नाम विद उनकी DP विद उनका कमेंट, ठीक है। इनके साथ हम आपका नाम जो है दिखाएंगे एग्जाम मास्टर चैनल पर सबसे पहले। और ये वीडियो जो आएगा वो आएगा कल 3 बजे, आप तैयार रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। पर्यावरण मैराथन की सीरीज़ को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।